कोट कपूरा गोली कांड दी एसआईटी दे मेंबर कुंवर विजय प्रताप सिंह लंबे समय तो सुर्खियां विच बने हुए ने। बीते दिने उन्हां दे वल्लों पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अस्तीफा दे दित्ता गया सी। पहला तां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अस्तीफा स्वीकार नहीं किया, पर बाद विच अस्तीफा स्वीकार करके गृह मंत्रालय नूं भेज दिता गया। पर अस्तीफे ते भी पंजाब दी सियासत पक्ष दी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी दे विरोधी धिर दे नेता हरपाल सिंह चीमा ने कैप्टन अते बादल ते मिली भुगत दे इल्जाम ला दिते ने अते कहा कि गुटका साहब दिया सोहा का के कैप्टन गुरु ग्रंथ साहिब दे दोषियां नूं बचा रहे ने। लानत है अजिहे मुख्यमंत्री ते। कुंवर विजय प्रताप वर्गे मानतर बंदियां दा अस्तीफा देना और पंजाब सरकार ने जिहड़ा हैगा एक्सैप्ट करना नूं प्रवान करना, इत्थों पता लगदा गा कि पंजाब विच ईमानदार अफसरां दी कोई थां नहीं, पंजाब जिहड़े चंगे लोग ने उहदी कोई थां नहीं, पंजाब भ्रिष्टाचारियों का बोलबाला गा, पंजाब कांग्रेस जिहड़ी भ्रिष्ट जमात आ राज कर रही है, कैप्टन साहब जिहड़े हैगे ने मिल के बादल परिवार नाल खेल रहे नेगे। अज पंजाब दा बच्चा बच्चा जाणदा गा कि कुंवर विजय प्रताप जी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामलों की बहबल कलां गोलीकांड की जाँच कर रहे थे, उस जाँच को किमें प्रभावित किया गया, किमें इन्हों डराया गया, किमें धमकाया गया, किमें इन्हों जाँच करने तो रोकया गया, किमें जिहड़ा हैगा पंजाब की मानयोग हाई कोर्ट के किस तरह गलत तथ्य पेश किए गए, किस तरह पंजाब का एडवोकेट जनरल जिहड़ा हैगा उत्थे पेश नहीं होया, किस तरह पंजाब का करोड़ों रुपया जिहड़ा हैगा वह प्राइवेट होटलों च बहाया गया, किस तरह पंजाब के पैसे की बर्बादी की गई है और दूजे पास रिजल्ट जीरो आ रहा है। सो इतों पता लगता गा कि बादल परिवार की कैप्टन साहब की जी जारी है कि गूढ़ी आ। अज पंजाब जिहड़ा हैगा इंसाफ मंग रहा है, अज पंजाब जिहड़ा हैगा इस गल ते खड़ा गा कि कदों सानूं इंसाफ मिलेगा, जिन्हां लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी की है, जिन्हां लोगों ने साढ़े दो नौजवान शहीद किए हैं, कदों जेलां जाणगे, इस गल दी अज पंजाब मंग कर रहा। पर लेकिन मैं समझदा कैप्टन साहब ते बादल परिवार जिहड़ा हैगा आपसी होए गुप्त समझौते दे तहत अज पंजाब नूं बर्बाद करते लगे हुए नेगे। अज पंजाब दा हर पंजाबी दा हिरदे बलुंदरे पए नेगे कि पंजाब विच इक्को इक ईमानदार अफसर सी जिहड़ा जाँच कर रहा है, तुसीं उहनूं भी लांभे करता। इत्थों पता लगदा गा कि कैप्टन साहब जिहड़े हैगे नेगे ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਲਾਣਤ ਐਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕੰਮਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਪਟ ਜਮਾਤ ਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਮਾਤ ਆ, ਦੋਨੇ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜਾਇਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।